नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां पे हम बात कर रहे हैं विलकम एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन के सबसे बेहतरीन प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू इसके सारे इफ़ेक्ट, ऑप्शन, पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं और इनके सारे टूल्स का हमें किस तरीके से हमारी डिज़ाइनों के अंदर इस्तेमाल करना होता है। वो सारे पैटर्न हम एक एक करके वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देखने वाले हैं। आज तक के वीडियो के अंदर दोस्तों आपने काफ़ी सारे पैटर्न्स और टूल्स के बारे में सीखा हुआ है, जिसके अंदर हमने सभी टूल्स के अलग अलग वीडियो बना के टोटल 27 वीडियोस हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर रख चुके हैं। दोस्तों आज तक के वीडियो के अंदर आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे हुए हैं, लेकिन अब हम देखने वाले हैं तातामी स्टिच के इफ़ेक्ट्स के बारे में। तातामी स्टिच के इफेक्ट के बारे में हमने आगे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसके अंदर तातामी स्टिच के बारे में उसकी पैटर्न और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, जिसके अंदर हमने यहाँ तातामी स्टिच को सिलेक्ट किया था और यहाँ हमारा प्रॉपर्टी के अंदर तातामी स्टिच को सिलेक्ट किया था और उसके अंदर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज आती है, जिसमें स्टिच वैल्यू, ऑफसेट और पार्टीशन लाइन, इन सभी को कैसे सेट किया जाता है वो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं तातामी स्टिच के दो अलग अलग इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो सिर्फ और सिर्फ तातामी स्टिच में ही लगती है और उसके अलावा किसी में नहीं लगती है, और वो इफ़ेक्ट्स अगर आपने कॉम्प्लेक्स फिल्म में बनाई हो तो ही काम आती है। इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी, उन सारी पैटर्नों के अंदर वो इफ़ेक्ट्स काम नहीं आती है। ऐसी हमारी दो इफ़ेक्ट्स देखने वाले हैं, जिसके अंदर पहली है फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट और दूसरी है लिक्विड इफ़ेक्ट। वो किस तरीके से बनती है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे सेट करनी होती है, वो हम आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट और लिक्विड इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमें जब फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट बनाते हैं तो हमारा यहाँ जो स्टिच टाइप का जो टूल बना हुआ होता है, उसके अंदर आखिरी जो दो ऑप्शन होते हैं, जिसके अंदर पहला है फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट और दूसरा है लिक्विड इफेक्ट, ये दोनों टूल्स आपको दोस्तों देखने में कुछ बर्गर के जैसे दिखाई देंगे। इस इफेक्ट को हम फ्लोरेंटाइन इफेक्ट और लिक्विड इफेक्ट को बर्गर इफेक्ट भी कहते हैं। ये यहाँ पे बर्गर के जैसा जो सिंबल बना हुआ है, वो पहला सिंबल है फ्लोरेंटाइन इफेक्ट का। वो किस तरीके से बनता है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे, उसको हम जीरो के ऊपर सेट कर देंगे। हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है डिज़ाइन का, वो सेंटर पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से कॉम्प्लेक्स फिल को सिलेक्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स फिल के अलावा कोई भी अगर आप पैटर्न से ड्राइंग करते हो, उसके अंदर तातामी स्टिच डालते हो, तो फ्लोरेंटाइन इफेक्ट या लिक्विड इफेक्ट कोई भी काम नहीं करता है। हमें यहाँ पे सिंपल याद ये रखना होता है कि जब भी हम इस इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स फिल का ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स फिल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी हमें इफेक्ट लेनी है वो इफेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें ड्राइंग करने की शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक और यहाँ पे एंटर देंगे। एक बार एंटर देने के बाद हमें यहाँ पे जो भी इफेक्ट देनी है उसकी यहाँ प्रॉपर्टी बनती है, जो भी पॉइंट रखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार्ट मेनू के ऊपर उसका वार्निंग जो भी लिखा हुआ आता है, मतलब कोई भी आपको स्टिच डालना हो, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट कुछ भी डालना हो, बाउंड्री लाइन डालनी हो, तो उसके बारे में जो भी हमने यहाँ से पैटर्न सिलेक्ट किया है, वो पैटर्न के बारे में कौन कौन से पॉइंट आपको दबाने हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ आता है। यहाँ लिखा है एंटर पॉइंट 1 ऑन बाउंड्री 2, यानी कि अगर आप दूसरी बाउंड्री लेना चाहो तो आप वहाँ पर पॉइंट रख के बाउंड्री बना सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे और दूसरी बाउंड्री नहीं बनानी है, तो हम यहाँ सिंपल एक एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ आया है कि एंटर एंट्री पॉइंट, यानी हमें इसका एंट्री पॉइंट पहले सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से एंट्री पॉइंट देंगे, उसके बाद एंटर एग्जिट पॉइंट, हम यहाँ पे एग्जिट पॉइंट देंगे। उसके बाद अब एंटर पॉइंट 1 ऑन द कर्व, हमें कर्व देना है। ये इफ़ेक्ट जो आप देख रहे हो फ्लोरेंटाइन को, उसका कर्व हमें देना है, तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ से लेफ्ट, राइट और लेफ्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। इस तरीके से हमारा फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट बन जाता है। फ्लोरेंटाइन इफ़ेक्ट के अंदर हमने जैसे ही कर्व दिया है, यहाँ पे हमारा ये कर्व का ऑप्शन जो दिख रहा है, हमारा स्टिच एंगल जो दिख रहा है, वो उसी तरीके से हमारी स्टिच की जो पैटर्न होती है वो वैसे ही बनती है जैसे हम कर्व देते हैं। हमने कर्व ये साइड में दिया है, अगर हम नीचे की साइड से देना चाहें
तो हम वहाँ से भी दे सकते हो। इस कर्व को हम बदलना चाहें अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अगर हम कर्व को बदलना चाहें तो हम उसको बदल भी सकते हैं। आप कोई भी एंगल से या कोई भी साइड से आप इसके कर्व को दे सकते हो। ये था हमारा फ्लोरेंटाइन इफेक्ट। अब दोस्तों देखते हैं हम हमारा लिक्विड इफेक्ट, लिक्विड इफेक्ट किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ड्राइंग होता है। दोस्तों देखने में और ड्राइंग करने में दोनों ही इफेक्ट जो है वो सिमिलर ही दिखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर डिफरेंट तरीके से ड्राइंग किया जाता है। वो कैसे ड्राइंग किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें एक सर्कल लेना है, या हम कोई भी हमारी डिज़ाइन होती है पर्टिकुलर, उस डिज़ाइन के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से हम यहाँ पे डिज़ाइन ड्राइंग करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक सर्कल लेके ड्राइंग करके दिखाता हूँ। हमारी डिज़ाइन के हिसाब से हम यहाँ पैटर्न बना सकते हैं। हम पहले कॉम्प्लेक्स फील को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है, लिक्विड इफेक्ट को। उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, लेफ्ट राइट राइट और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बाउंड्री लाइन 2 मांग रहा है, तो हमें बाउंड्री 2 नहीं बनानी है, हम एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद स्टार्ट पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। उसके बाद अब हमें यहाँ पे एंगल देना है। एंगल देने के लिए सबसे पहले लेफ्ट राइट और लेफ्ट, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर से हम लेफ्ट राइट और लेफ्ट, यहाँ पे हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे लिक्विड इफेक्ट बना है उसी तरीके से हम यहाँ पे लिक्विड इफेक्ट देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा लिक्विड इफेक्ट बनता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा लिक्विड इफेक्ट बन जाता है, जिसके अंदर जो कर्व दिया हुआ है। हमने यहाँ पे फ्लोरेंटाइन इफेक्ट के अंदर एक ही कर्व दिया था, लेकिन यहाँ हमें लिक्विड इफेक्ट के अंदर दो कर्व देखने को मिलते हैं। कुछ डिज़ाइन उस यहाँ से ऐसे जाती है और कुछ डिज़ाइन यहाँ से इस तरीके से घुमाई हुई मिलती है। हमें यहाँ पे लिक्विड इफेक्ट के अंदर एक छोटी सी याद रखने वाली चीज़ जो है वो मैं आपको फिर से ड्राइंग करके बताता हूँ। पहले कॉम्प्लेक्स फील को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमारी पैटर्न को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम यहाँ पे लेफ्ट राइट राइट एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद बाउंड्री 2 नहीं देना है तो हम एंटर प्रेस करेंगे, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो हमारा कर्व बना है, याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो हमारा कर्व बना है उससे थोड़ा सा आगे की साइड हमें ओवरलैपिंग ना देते हुए यहाँ से एंगल देना है। पहला लेफ्ट, उसके बाद यहाँ पे राइट, राइट यहाँ पे देंगे तो ये जो ये यहाँ एंगल का जो लाइन होता है वो लाइन इसको टच नहीं करना चाहिए, यहाँ से दूर रहना चाहिए। इस तरीके से हमें एंगल देना है। यहाँ पे लेफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही कुछ इस तरीके का लाइन दोनों कर्सर के साथ जुड़ा हुआ आता है। वो जुड़ा हुआ जो लाइन है वो लाइन भी इस राउंड के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर हम इस तरीके से उसका एंगल देंगे तो ये गलत है, यहाँ पे एंगल नहीं पड़ेगा और यहाँ पे हमारी लिक्विड इफेक्ट भी नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ देना है, यहाँ से जो राउंड हमारा बनाना है उससे थोड़ा सा दूर देना है। यहाँ पे हम लेफ्ट और राइट और लेफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर देंगे। हमारा ये लिक्विड इफेक्ट रेडी हो गया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा स्टिच पैटर्न बदल के देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, हम पार्टीशन लाइन के अंदर एक इफेक्ट देंगे तो देखिए इस तरीके से दोस्तों यहाँ अलग 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 दिख रहा है। हम इस तरीके से पैटर्न दे देंगे तो इसमें ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से ये लाइन काम करता है। इस तरीके से हमारा ये लिक्विड इफेक्ट और फ्लोरेंटाइन इफेक्ट दोनों ही अलग पड़ते हैं। दोस्तों फ्लोरेंटाइन इफेक्ट और लिक्विड इफेक्ट के अंदर अगर हम सिंपल तरीके से ड्राइंग करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। हम सिंपल पहले एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। सर्कल के अंदर हम सीधा शॉर्टकट तरीके से अगर हमें बनाना हो तो किस तरीके से हमने ड्राइंग करके सीखा है, उसके बाद हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल को यहाँ सिलेक्ट करके हम कॉम्प्लेक्स फिल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फिल के अंदर कन्वर्ट करने से पहले अगर समझ लीजिए, हमें यहाँ सर्कल सिलेक्ट करके हमारा पहला डिज़ाइन जो भी है हमें फ्लोरेंटाइन इफेक्ट देना है, तो फ्लोरेंटाइन या तो लिक्विड इफेक्ट के अंदर जो भी पैटर्न हमें देना है उसको हम सिंपल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आके ये सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फिल को सिलेक्ट करेंगे। एक बार एंटर प्रेस करते ही हमारा ये जो इफेक्ट है वो इफेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। अभी हमें यहाँ पे लिक्विड इफेक्ट देना है तो हम क्या करेंगे, लिक्विड इफेक्ट को देने के लिए हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने से पहले बाद अब हम यहाँ पे
एस्केप दबा के यहाँ पे पहले लिक्विड इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे राउंड को, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फिल, दो बार एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कुछ यहाँ पे इनवैलिड दिखा हुआ आया, क्योंकि इनवैलिड के अंदर अब हमारा जो पैटर्न है उसको हमें सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और वो सिलेक्ट हो जाता है उसको हमें जी प्रेस करके देखना है। जी प्रेस करेंगे वो हाइड हो गया था, वो हाइड हो जो हो गया है उस ऑप्शन को देखने के लिए हमें वही सिलेक्ट करना है, और उसके बाद हम कई कीबोर्ड की मदद से जी प्रेस करने के बाद उसको देख सकेंगे। तो जी प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे स्क्वायर पॉइंट दिया हुआ है, उसको हम राउंड कर देंगे तो इस तरीके से इफेक्ट बदल जाती है। ये दोनों ही टूल्स इस तरीके से काम करते हैं। हम शॉर्टकट तरीके से या तो फिर माउस के साथ ये दोनों ही पैटर्न अलग अलग तरीके से हम अपने मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी जानकारी हमारी फ्लोरेंटाइन इफेक्ट और लिक्विड इफेक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूजफुल रहा होगा। दोस्तों एक बार आखिरी में बताना चाहूँगा कि आज तक के हमारे 27 वीडियोज इन टूल्स के बारे में अपलोड हो चुके हैं। वो सारे के सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी हमारे ये प्रोग्राम के सारे टूल्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।